यार अब जंगल में दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये, और मुझे याद नहीं है कि मैं किस रास्ते से आया था, क्योंकि उस टाइम शाम हो गया था और मुझे एक अंकल जी ला के यहाँ पर छोड़े थे। मुझे लग रहा है कि शायद यही था यार, ये वाला रास्ता, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब जाऊँ किस रास्ते से जाऊँ, पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। यार मैं भीग गया यार, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, इनफैक्ट मेरे शूज में भी पानी घुस गया है, और मैं अभी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे रुक भी नहीं सकता, और यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे मुझे जाने में, तो मैं टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता। 1:30 बज रहा है और यहाँ से 2 घंटे लगेगा, इट मीन्स कि 3:30 तक मैं पहुँचूँगा, तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता मैं, तो मुझे अब कैसे भी करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा ताकि मैं अपने कपड़े चेंज कर सकूँ और उसके बाद जो भी होगा घूमेंगे। यार बारिश यार रुक गई है अभी, और जितना जल्दी हम लोग पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन पे तो अच्छा है, कि ठंड काफ़ी लग रहा है। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। पूरा जंगल है और यहाँ से यह पूरा जंगल थोड़ी तक है, और यहाँ पे रात में थोड़ा भी अगर मैं लेट करूँगा तो यहाँ पे जितने भी जानवर हैं इस जंगल में, यहाँ पे टाइगर्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो ये सारे क्या होता है कि बारिश के समय में ना रोड पर आ जाते हैं, तो रात में या थोड़ा भी मैं लेट करूँगा तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं घर से निकला हूँ 11 बजे, लेकिन मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है थोड़ी, फिर भी मुझे अभी 5 बज गए हैं, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। रीज़न है कि बारिश काफ़ी तेज़ थी, कई जगह बारिश भी मिला, कई जगह धूप भी मिला। इनफैक्ट इससे पहले जो मैं भीगा था और उसके बाद मुझे धूप मिला तो मेरा कपड़ा सूख भी गया था, फिर यहाँ जंगल में आते ही मुझे बारिश मिल गया और फिर मैं भीग गया। तो अब मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं अब जो भी होगा मैं सीधा होटल जा कर ही अपना कपड़ा चेंज करूँगा, वहीं पर फिर रुकूँगा, फिर आप लोग से मैं वहीं बात करूँगा, और आज तो यहाँ कहीं घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस जंगल का व्यू दिखा देता हूँ आपको, चलिए बाइक पे ही। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ठोरी, और यहाँ आते आते मुझे लग गए हैं 7 या 8 घंटे, जबकि मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है। रीज़न था कि बारिश काफ़ी तेज़ था आज, और जब मैं घर से निकला था उस टाइम तो काफ़ी अच्छा धूप था, इसलिए मैं निकला भी, लेकिन रास्ते में मुझे बारिश मिल गया, और काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण कई जगह मैं रुका और काफ़ी वेट भी किया, जिसके कारण ये टाइम ज़्यादा हो गया। अब चैलेंज ये हो गया यहाँ पहुँचने के बाद कि मैंने होटल बुक किया था थोरी में, क्योंकि उस टाइम लोकेशन दिखा रहा था उस होटल का थोरी, और यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ से अभी भी दिखा रहा है 30 किलोमीटर और आगे। अब चैलेंज ये है कि यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना पूरा पथरीला है, और आज बारिश काफ़ी तेज हुआ है, जंगल का रास्ता है तो उसमें कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड उधर पक्का है नहीं। और तीसरा जो चैलेंज है कि ये पूरा जंगली इलाका है, रात के समय में मतलब 5 बजे के बाद इस रोड पे कोई गाड़ी चलती ही नहीं है, तो अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता। और चौथा रीजन है कि यहाँ पे BSF कैंप है, जो कि आपको 5 बजे के बाद अलाउ नहीं करते इस रूट से जाने का, जिसके कारण मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, और यहाँ पे कोई सिम भी नहीं मिल रहा कि मैं उस होटल को कैंसिल करूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है।
मेरा वो पैसा वेस्ट ही हो गया। लेकिन मैं अभी छोटा सा लॉज लिया हूँ यहीं पे ठोरी में ही, जो कि ये है अच्छी लॉज, शेयरिंग लॉज है। यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं और ये लॉज मुझे बहुत सस्ता मिल गया, 400 रुपया मिला मुझे, 400 रुपया नेपाली, यानी कि इंडियन 250-250 रुपया हुआ। और आज रात पूरा यहीं काटना पड़ेगा, काफ़ी थक भी गया हूँ। फिलहाल मुझे नींद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। ये है लॉज, ये है मेरा बेड, इधर 2 बेड और लगे हुए हैं जो कि किसी और का है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और आज मेरा दूसरा दिन है नेपाल में, और ये जो पीछे नदी दिख रहा है ना, इसमें कल पानी बिल्कुल भी नहीं था, और आज आप देख सकते हैं कितना तेज पानी इसमें बह रहा है। भाई ये देखो क्या खतरनाक स्पीड है यार पानी का, यही हाल है पहाड़ी नदियों का, कभी पता नहीं कभी पानी होता नहीं है, कभी काफ़ी तेज़ पानी हो जाता है। और फिलहाल मैं जहाँ हूँ ये है एक छोटा सा कस्बा, एक गांव है नेपाल का, तो उस गांव में हूँ मैं। मैं आपको ये गांव पूरा दिखाता हूँ कि ये गांव कैसा है। यहाँ पे ठोरी का बोर्ड लगा हुआ है पूरा, यार एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरे ठोरी में एक ही लॉज है जिसमें मैं रुका हूँ। हालाँकि यहाँ पर 2 लॉज हैं, एक है 3 स्टार और एक है मनोकामना। तो 3 स्टार बंद हो चुका है लॉज, सिर्फ यहाँ बचा है एक मनोकामना। अगर आप यहाँ आते हैं प्रॉपर ठोरी में रुकना चाहते हैं तो मनोकामना में ही रुकना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, इससे कुछ आगे आप बढ़ते हैं, 15-20 किलोमीटर आगे जाएंगे तब उधर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, बट यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ये एक छोटा सा मार्केट है इस गाँव का, जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा एक छोटा सा मार्केट है। और इस साइड भी मार्केट है पूरा, जो कि लकड़ी के घर में बना हुआ है। यार यहाँ पे एक चैलेंज है कि मुझे नेपाली समझ नहीं आता, और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंदी और भोजपुरी समझ में आता है, तो हिंदी में आप बात कर सकते हैं, आप भोजपुरी में बात कर सकते हैं, भोजपुरी भी समझते हैं ये लोग, क्योंकि बिहार से जस्ट सटा हुआ है ये सिटी, जिस कारण इनको भोजपुरी भी आता है। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है BSF कैंप नेपाल का, और मैं यहीं आया था कल परमिशन लेने के लिए, बट मुझे परमिशन नहीं मिल पाया, रीज़न कि यहाँ पे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड में अलाउ नहीं है इंडियन गाड़ी को अंदर जाना। पैदल जा सकते हैं बट गाड़ी लेके नहीं जा सकते, पता नहीं ये क्या लॉजिक है, आप पैदल जा सकते हैं गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसका क्या मतलब है यार। एनीवे, तो मैं आगे जाने की मेरा प्लानिंग था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा आगे, मुझे यहीं से रिटर्न होना पड़ेगा। और ठीक है, ये है कुछ ऐसा है यहाँ का घर। तो यार अभी ये पूरा जंगल है, इस साइड पूरा जंगल है, पूरा पहाड़, ये चारों साइड नेपाल तो एक्चुअली पूरा पहाड़ पे ही बसा हुआ है, बट और यहाँ पे मोस्टली घर जो है ना वो लकड़ियों के घर है। गाइस, वाटरफॉल के पास पुलिस वाले मना कर रहे हैं जाने से, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। और झूला पुल भी बंद है क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया है अभी, तो यहाँ पे और कुछ है नहीं घूमने के लिए, वाटरफॉल और झूला पुल है घूमने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें बंद हैं, तो मैं कहीं और जा नहीं सकता घूमने। तो अब मुझे फ़िलहाल जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है और जंगल के रास्ते से जाना है मुझे, तो मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। यार ये ट्रिप बर्बाद ही हो गया मेरा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ फिलहाल, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे जाना पड़ेगा घर। तो ये जो पुल दिख रहा है ना, अभी मैं इस पुल के पास ही खड़ा हूँ, और इस पुल से उस साइड इंडिया है और इस साइड नेपाल है, तो चलिए चलते हैं इंडिया।
यार मैं पहुंच तो गया हूँ इंडिया में, लेकिन दिक्कत यह है कि जब कल मैं पहुंचा था ठोरी इंडिया वाले साइड पे बॉर्डर पे, बीएसएफ वाले इंडिया से नेपाल बाइक लेके आने नहीं देते हैं। मुझे किसी ने बताया, इनफैक्ट एक अंकल थे उन्होंने मुझे छोड़ा भी यहाँ लाके, तो वो जंगल के रास्ते मुझे लेके यहाँ तक लेके आए थे। अब मैं रास्ता भूल चुका हूँ और इधर से जाना है मुझे फिर उस जंगल से, तो और अभी बारिश काफ़ी तेज़ भी हो रही है, तो शायद वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा होगा। तो यार पता नहीं कैसे पहुँचूँगा, चलो तो कोई मिलेगा तो फिर उससे पूछते हैं। और ये है वो पूरा जंगली रास्ता। यार अब जंगल में दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये, और मुझे याद नहीं है कि मैं किस रास्ते से आया था, क्योंकि उस टाइम शाम हो गया था और मुझे एक अंकल जी ला के यहाँ पर छोड़े थे। मुझे लग रहा है कि शायद यही था यार, ये वाला रास्ता, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब जाऊँ किस रास्ते से जाऊँ पता नहीं, कहाँ पहुँच जाऊँगा। चलो देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। अरे पूरा जंगल का इलाका है, पीछे कई जगह मेरा गाड़ी रुका भी, कीचड़ में फंसा भी, जब देख सकते हैं कितना कीचड़ है पूरा। तो यार मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, और कुछ दूर ही है यहाँ से एक बस्ती है जंगल के आगे, उसके बाद फिर जंगल स्टार्ट होगा जो कि ठोरी से आगे कोई एक जगह है। यार नाम मैं भूल रहा हूँ यार, नाम याद नहीं आ रहा। अभी मुझे जंगल में चलना पड़ेगा करीब 6-7 किलोमीटर, बट थोड़ा सा आगे ही एक बस्ती है जो कि इंडिया में पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तो यार मेरा वो डिसीज़न सही था और मैं फाइनली पहुँच गया हूँ इंडिया में। पीछे आपको दुकान दिख रहा होगा, ये दुकान इंडिया में है, और आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। तो यहाँ से कुछ दूर और है वो चौक जहाँ से मुझे जाना है, तो करीब आई 5-6 किलोमीटर मुझे जंगल में ट्रेवल करना है। तो पहले चौक पर रुकूँगा, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे।